हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण प्रबंधन की नई तकनीक। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने पर्यावरण प्रबंधन को पूरा डिस्कस कर लिया है। प्रीवियस में हमारी दो वीडियो बनी है पर्यावरण प्रबंधन के टॉपिक के बारे में। तो आज जो हम पर्यावरण प्रबंधन के लिए नवीन तकनीक का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि वर्मिंग कंपोस्टिंग, बायोगैस, मेनली इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। पर्यावरण प्रबंधन के लिए जो न्यू तकनीक है वो वर्मी कंपोस्टिंग है। सबसे पहले हमारी खाद बनाने के लिए जो पूर्ण तकनीक है वर्मी कंपोस्टिंग रहेगी। इसके अलावा एक कंपोस्टिंग तकनीक भी रहती है, बट हम आज की इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं वर्मी कंपोस्टिंग को। वर्मी कंपोस्टिंग ठीक है, सबसे पहले इसका मतलब देखते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी मीन्स कृमि, कृमि बोल देते हैं इनको। वर्मी मीन्स कृमि, कंपोस्टिंग मीन खाद, कीड़ों से तैयार की गई खाद। कृमि मतलब वर्म्स, वर्म को हम बोलते हैं केंचुआ, वर्म को हम बोलते हैं केंचुआ। ऐसी खाद जो केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है। अब मैं वर्मी कंपोस्टिंग को केंचुआ खाद बोल सकता हूं, ठीक है। ऐसी खाद जो केंचुओं के द्वारा तैयार की जाती है, ऐसी खाद को हम क्या बोल देते हैं? वर्मी कंपोस्टिंग। अब पूरी वीडियो में मैं इसको केंचुआ खाद बोलूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब ही क्या है? केंचुआ खाद। वर्मी मतलब कृमि, कृमि मतलब कीड़े। कीड़े किनको बोलते हैं? केंचुओं को बोलते हैं। लंबे लंबे वर्म्स होते हैं, चपटे कलर, जो थोड़े डार्क कलर के होते हैं और चपटे होते हैं, ठीक है। तो केंचुआ खाद कौन सी खाद होगी जो कीड़ों के द्वारा, मतलब केंचुओं के द्वारा तैयार की गई खाद को हम क्या बोलते हैं? केंचुआ खाद बोलते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं केंचुआ खाद पे। केंचुआ खाद कैसी खाद है? ऐसी खाद जो केंचुओं द्वारा पूर्णतः निर्मित हो, मतलब ऐसी खाद है जिसमें सिर्फ केंचुओं का ही रोल रहता है, शुरू से लेके एंड तक, अंतिम पड़ाव तक केंचुओं का रोल रहता है। ये खाद हमें कैसी नजर आती है? चाय की पत्ती जैसी, जो चाय की पत्ती होती है उसके जैसी काली काली, ह्यूमस, और उसके अंदर से सेंधी खुशबू आती है, मिट्टी की, मिट्टी की जो खुशबू होती है ना, सेंधी खुशबू, वैसी खुशबू उसके अंदर से आती है। तो हमें सबसे पहले यही समझना है कि ये खाद कैसी खाद है। ये खाद जब तैयार होती है तो इस खाद के अंदर से बिल्कुल भी बदबू नहीं आती। रासायनिक है उनके अंदर से अलग खराब कलर, खराब तरीके की स्मेल आती है, ठीक है, बट इस खाद के अंदर से बिल्कुल बदबू नहीं आती। इसका एक और फायदा है, मच्छर व मक्खी पैदा नहीं होते, मच्छर मक्खी इसके अंदर पैदा नहीं होंगे। इस खाद का एक ये फायदा है। इसके अलावा इस खाद के अंदर फास्फोरस, कैल्शियम, कैल्शियम, ठीक है, सल्फेट, ये इसके अंदर अच्छी मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फेट, ये इसके अंदर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। जो हमारी जो खेत की मिट्टी है उसकी उर्वरता क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक को आगे और बढ़ाते हैं हम, कि जो कृमि होते हैं या फिर केंचुए होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? किसान मित्र, ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? किसान मित्र, या फिर पृथ्वी की आंत,
इनको हम पृथ्वी की आंत बोल देते हैं, जैसे हमारी पेट की आंत है ना छोटी छोटी, ऐसे ही ये पृथ्वी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको हम पृथ्वी की आंत बोल देते हैं। अब जिस मिट्टी के अंदर ये रहते हैं, ये केंचुए भी दो तरीके के होते हैं, केंचुए भी दो तरीके के होंगे, कृमि दो टाइप के होते हैं। कृमि के जो प्रकार हैं दो प्रकार हैं, पहला प्रकार है डेट्री वर्स, ठीक है, दूसरा प्रकार है जियो फैगस। ये केंचुए थोड़े डार्क कलर के होते हैं, रंगदार होते हैं और मेनली पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। इनको किसान मित्र कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, काम करने में इनका ज्यादा रोल होता है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, तो ये आसानी से फसलों के अफेक्ट में रहते हैं जल्दी। और जियोफैगस होते हैं, इनको बोलते हैं आलसी केंचुए, ये रंगहीन होते हैं, ये पृथ्वी के नीचे पाए जाते हैं, मतलब भूमि के बहुत गहरे गहरे रहते हैं भूमि के अंदर, आलसी होते हैं, गहरे रहते हैं, रंगहीन होते हैं। तीन चीजें इनके बारे में है, तीन इनके बारे में, ठीक है, रंगदार है पृथ्वी की ऊपरी सतह पर और ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये उर्वरक बनाते रहते हैं फटाफट फटाफट। इनके अंदर एक कैपेसिटी ये होती है कि ये गले सड़े पदार्थों को सीधा खाद के अंदर परिवर्तित करते रहते हैं, उनको खाएंगे और खाद के अंदर परिवर्तित करते रहेंगे। तो अब हम आगे करते हैं कि जो खाद है, केंचुए द्वारा निर्मित खाद है, उसकी क्या विशेषता है। जो केंचुए द्वारा निर्मित खाद है, इसको बीच में लिखते हैं, पहला कचरे को विघटित करके बनाई जाती है, यह खाद कचरे को विघटित करके बनाई जाती है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, इसके अंदर से, इसमें से बदबू नहीं आती। थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे कि इससे मक्खी मच्छर पैदा नहीं होते। पॉइंट नंबर फोर्थ, केंचुआ खाद, इससे मक्खी मच्छर पैदा नहीं होंगे, इसके अलावा यह प्रदूषण नहीं करती, पर्यावरण में प्रदूषण का काम नहीं करती है यह खाद। पांचवा, भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है? इसके अंदर बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो इसके अंदर 2 से 3%, 2.5 से 3% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। इसके अलावा पोटेशियम की अगर बात करूं, पोटेशियम इसके अंदर 1.5 से 2% इसके अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं, फास्फेट इसके अंदर 1.5 से 2% प्रेजेंट होता है। ये जो कारक है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये तत्व इसकी उर्वरता क्षमता को बढ़ाने में काम करते हैं, ठीक है। जैव खाद है,
यह एक उत्तम जैव खाद है। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट रहेंगे। अब हम देखते हैं इसकी विशेषता। इसकी विशेषता में हमें क्या लिखना होता है, ये कचरे को विघटित करके बनाई जाती है, सबसे उत्तम जैव खाद है। विशेषता में हम लिखेंगे ये पॉइंट्स, कुछ एक पॉइंट आते हैं हमारे जो हम विशेषता में लिखेंगे। इसमें से बदबू नहीं आती, इससे मक्खी मच्छर पैदा नहीं होते, यह प्रदूषण नहीं फैलाती, भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, ये है विशेषताएं। और इसके क्या पॉइंट हो सकते हैं, इसके अलावा यह एक हेक्टेयर भूमि में इसकी कितनी आवश्यकता होती है, सिर्फ 2 टन की आवश्यकता होती है। एक हेक्टेयर भूमि के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी 2 टन की आवश्यकता होती है। एक इसकी विशेषता यह भी है कि यह भूमि में पानी को सोखे रखती है, मतलब पानी की कैपेसिटी को लंबे समय तक रखती है भूमि के अंदर, जिससे कम से कम इरिगेशन मतलब कम से कम सिंचाई की जरूरत होती है। पर्यावरण के अंदर हमें कम से कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ये हो गया एक पॉइंट। अगर इसको तैयार करने की बात करें तो 1 से 1.5 महीने में यह तैयार हो जाती है और कम से कम इसको तैयार करने के लिए 100 वर्ग फुट गड्ढे की आवश्यकता होती है। इसमें 1 टन तैयार हो जाएगी। 100 वर्ग फुट का अगर कोई गड्ढा है तो उसके अंदर ये 1 टन खाद तैयार हो जाएगी। अगर आपको 1 टन खाद तैयार करनी है तो आपको 100 वर्ग फुट का गड्ढा चाहिए, उसमें आपकी 1 टन खाद तैयार हो जाएगी। तो विशेषताएं समझ में आई, कचरे को विघटित करके बनाई जाती है, इसमें से बदबू नहीं आती, इससे मक्खी मच्छर नहीं पैदा होंगे, यह प्रदूषण नहीं करती, भूमि की उर्वरता क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटेशियम तीनों की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है, 2 से 3% तक नाइट्रोजन और पोटेशियम 1.5 से 2% और फास्फोरस जिसको फास्फेट बोलते हैं 1.5 से 2% ये भी प्रेजेंट होते हैं। तीनों के तीनों तत्व इसके अंदर अच्छी मात्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो किसी भी फसल को ग्रो करवाने के अंदर बहुत तेजी से मतलब ग्रो करवाते हैं, उसके अंदर मदद करते हैं। इसके अलावा यह एक उत्तम जैव खाद है। सबसे पहले तो हमें यह है याद रखना है कि यह कैसी खाद है, यह एक जैव खाद है। जैव मतलब पौधे के गले सड़े पदार्थों से बनाई जाती है यह खाद, कचरे से बनाई जाने वाली खाद को हम जैव खाद बोलते हैं, जैविक खाद। एक हेक्टेयर भूमि में सिर्फ और सिर्फ इसकी आवश्यकता कितनी पड़ती है, हमें 2 टन की आवश्यकता पड़ती है। ये भूमि में पानी की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे हमें कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है, लगभग 1 से 1.5 महीने में तैयार होने वाली खाद है ये। ठीक है, और 100 वर्ग फिट गड्ढे के अंदर, 100 वर्ग फिट का एक गड्ढा है तो उसके अंदर 1 टन मात्रा तैयार हो जाएगी खाद की। तो सबसे पहले अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम देखते हैं कि केंचुआ खाद को तैयार कैसे किया जाता है, इसके लिए पूरी की पूरी प्रोसेस क्या है तैयार करने की। हम केंचुआ खाद को अगर तैयार करें तो कैसे करें, तो सबसे पहले हमें केंचुआ खाद को अगर तैयार करना है हमें केंचुओं की जरूरत पड़ेगी। केंचुए कैसे, लाल रंग के होते हैं, अभी मैंने बताया डेट्रीवोर्स जो कचरे को किसमें, खाद के अंदर परिवर्तित करते हैं। ठीक है, रंगदार केंचुए होते हैं लाल रंग के, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए काम करते हैं। अब केंचुआ खाद की बात आती है तो केंचुआ खाद हम तैयार कैसे करें, इसके लिए हमें
क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहले आपने जो कचरा लिया है, कचरे से कचरे से कांच है या प्लास्टिक है, कांच प्लास्टिक लोहा, इन सबको अलग करें। अगर आपके कचरे, आप जिस कचरे से खाद तैयार करना चाहते हैं उसमें से सबसे पहले हमें क्या, लोहा, कांच, प्लास्टिक, ये अलग निकालना होगा, क्योंकि केंचुआ इनको खाद में परिवर्तित नहीं करता है। दूसरा, ये केंचुए को नुकसान पहुंचाएंगे। तीसरी बात ये कि जब हम उस खाद के अंदर हाथ चलाएंगे तो हो सकता है प्लास्टिक, कांच या लोहा हमारे हाथ को नुकसान पहुंचा दे। ठीक है, केंचुओं को सेंद्रित पदार्थ खाने को दें। जब तक केंचुए आपके बाहर हैं उनको सेंद्रित पदार्थ खाने को दें, आधा जो सब्जियों के छिलके वगैरह हैं थोड़े गले हुए हैं वो उनको खाने को दिए जाएं। गड्ढा तैयार करें, गड्ढा कितना होना चाहिए, 1 टन आपको खाद तैयार करनी है तो 100 वर्ग फीट का लगभग गड्ढा आपका होना चाहिए। 100 वर्ग फीट मतलब ऐसे एक गड्ढा है, ठीक है, इसकी 10 10 फीट चौड़ाई, 10 फीट लंबाई, दोनों 10 10 होनी चाहिए, और नीचे अगर गहराई देखें तो लगभग 2 फीट की होनी चाहिए, 1.5 से 2 फीट के बीच में होनी चाहिए, 1 फीट से भी काम चल सकता है। ठीक है, तो ये गड्ढा ऐसे तैयार करना है, हमें गड्ढा तैयार करना है। अब गड्ढे के अंदर नीचे क्या करना है, सबसे नीचे जो सबसे निचली परत है उसको पीट कर समतल करें, उस पर रेत या बजरी बिछा दें। उसके ऊपर रेत और बजरी बिछाई जाती है हवा का आवागमन रखे ताकि, ठीक, उसके अंदर से वायु पास होती रहे, बजरी या रेत उसके ऊपर बिछाई जाती है। ठीक है, पांचवा स्टेप देखें तो इसके ऊपर जलोढ़ मिट्टी है ना, 4 इंच की लेयर जलोढ़ या काली मिट्टी की परत बिछा दें। इसके ऊपर काली मिट्टी की परत बिछा दी जाती है 4 इंच की, 4 से 6 इंच के बीच में होती है। ठीक है, काली मिट्टी की परत, अगर काली मिट्टी नहीं मिल रही जलोढ़ मिट्टी से काम चलेगा, जलोढ़ मिट्टी नहीं मिल रही तो काली मिट्टी से काम चल जाता है। 6th स्टेप, अब आपने जो कचरा, कचरे में से प्लास्टिक या इनको अलग किया था, उस कचरे को 2 इंच तक कचरा बिछा दें। इसके ऊपर आप 2 इंच की लेयर कचरे की बिछा दें। उसके अंदर, उस कचरे में क्या करना है हमें, उसमें केंचुए छोड़ दें। अब कचरे के अंदर हमने क्या कर दिए, केंचुओं को छोड़ दिया, केंचुए छोड़ दिए। अब इसके ऊपर फिर 4 से 6 इंच मोटी मोटी परत गोबर की बिछा दी जाती है। इसके ऊपर 4 से 6 इंच मोटी गोबर की परत बिछा दी जाती है। अब गोबर की परत है, जितना भी कचरा है हम इसके ऊपर बिछा देते हैं। अब उसको ढक दिया जाता है, ठीक है, अब उसको ढक दिया जाता है किसी बोरी जैसे कपड़े से, झारेदार कपड़े से उसको ढक दिया जाता है। अब उसको ढक देने के बाद क्या किया जाता है, उसके अंदर झारे से पानी
देते रहे। इसके अंदर झारे से पानी देना है, इतना पानी भी नहीं डालना कि पूरा का पूरा जो कचरा और जो हमने बिछाई है परत पूरी की पूरी पानी में डूब जाए। सिंचाई के तरीके से नहीं काम करना है, हमने इतना ही काम करना है कि वो झारेदार पानी सिर्फ उसके अंदर नमी रखे, और कितनी नमी रखे, 40-50% तक की नमी रखे। बस हमें इतना ही काम करना है कि वो सिर्फ 40-50% तक ही नमी रखे। अगर हम उसके अंदर ज़्यादा पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी डालने के कारण उसके अंदर जो हवा उपस्थित है वो निकल जाएगी, और पानी के कारण जो केंचुए हैं उसके अंदर सांस नहीं ले पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। या फिर क्या होता है, ज़्यादा पानी डालने से केंचुए अपना काम करना बंद कर देते हैं, और उस तरीके से भी उनकी डेथ ही हो जाती है, वो खाद हमारी तैयार नहीं हो पाती। दो नुकसान होते हैं, ठीक है। झारे से पानी डालेंगे, एक तो हमारी खाद तैयार रहेगी, 40-50% तक उसमें सिर्फ नमी रखनी है। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो केंचुओं की डेथ भी हो जाएगी, और इसके अलावा हमारी खाद भी तैयार नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट स्टेप में देखते रहना है कि जो गोबर के ढेले हैं वो तो नहीं बन गए। अगर बन गए हैं तो ढेले को हाथ से तोड़ते रहें। इसके अलावा हमें एक और ध्यान रखना है कि जिस जगह पे हमने केंचुओं को छोड़ रखा है, जिस जगह पे हम वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं, उस जगह का टेम्परेचर 25-30 डिग्री सेल्सियस तक ही होना चाहिए। 25-30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहना चाहिए। तापमान कितना रहे उस जगह का, 25-30 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे, इससे ज़्यादा तापमान ना बढ़े। अब आप इतना रखते हो तो हम 30वें दिन देखेंगे कि जो केंचुओं की छोटे छोटे कीड़े या केंचुए हलचल दिखाई देगी, उसके अंदर आपको वो हलचल देखने को मिलेगी, केंचुओं या कीड़ों की हलचल हमें देखने को मिलेगी। अब 31वें दिन क्या करना है, 31वें दिन हमें तैयार रहना है कि उसके ऊपर कूड़े कचरे की परत 2 इंच तक बिछा देनी है, 2 इंच तक बिछा देंगे। ऐसा कब करेंगे, ऐसा सप्ताह में 2 बार करेंगे। ऐसा हम कब करेंगे, ऐसा सप्ताह में 2 बार करेंगे, 2 इंच की लेयर बिछाएंगे कूड़े कचरे की। कब, 30वें दिन जब हमें केंचुओं की हलचल दिख जाएगी तब, ठीक है। और ऐसा काम हम कब करेंगे, 30वें दिन के बाद, 31वें दिन ही करेंगे। केंचुओं की हलचल दिखने के बाद 31वें दिन हम ये काम करेंगे, 2 परत बिछा देंगे, और उन परत को अभी नहीं, ठीक है, 2 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद उनको उलट पलट करेंगे ताकि उसके अंदर क्या रहे, नमी बनी रहे, ताकि उसके अंदर हमारी नमी बनी रहे। अब उसके अंदर अगर नमी बनी रहेगी तो केंचुए अपना काम सही से करते रहेंगे। उलट पलट का मतलब ये भी है कि ऊपर की सतह नीचे चली जाए, नीचे की ऊपर आ जाए, और केंचुओं को काम करना आसान हो जाए। मोस्टली केंचुए एक परत के नीचे काम करते हैं, और ऊपर की परत नीचे चली जाएगी तो वो काम तेजी से होगा। ठीक है, ये 2-4 लेयर बिछाने के बाद हमें क्या करना है, हमें 2 हफ्ते बाद उसको उलट पलट करना है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, हमें 45वें दिन उसके अंदर पानी का छिड़काव बंद कर देना है। 45वें दिन हम उसके अंदर पानी का छिड़काव बंद कर देंगे। 45वें दिन हम पानी का छिड़काव बंद कर देंगे तो 1 से 1.5 महीने में, 1.5 महीने में ख,
खाद तैयार हो जाएगी। आप देखेंगे कि 1.5 महीने के अंदर जो खाद है वो बिल्कुल पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। और तैयार होने का मतलब क्या है, उसके अंदर से उसमें से सौंधी खुशबू आएगी, सौंधी खुशबू आएगी। ये सौंधी खुशबू ही बताती है कि हमारी खाद तैयार हो चुकी है। अब खाद अगर तैयार हो चुकी है तो उसके हाथ से हम क्या करेंगे, ढेर बना लेंगे उसके। खाद अगर तैयार हो गई है तो हाथ से हम क्या करेंगे, उसको ढेर में परिवर्तित कर देंगे। अब खाद तैयार हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, खाद के ढेर बना देंगे, उस खाद के ढेर बन जाएंगे। खाद के ढेर बनने के बाद क्या होगा, ढेर क्यों बनाते हैं हम, ताकि केंचुए क्या हों, नीचे आ जाएं, केंचुए नीचे आ जाएं। वो केंचुए अगर नीचे आ जाएंगे तो उससे हमारा फायदा ये रहेगा कि केंचुए जब वो खाद कोई खेत के अंदर लेके जाएगा डालने के लिए, फील्ड के अंदर लेके जाएगा, तो केंचुए उसके साथ नहीं जाएंगे, कम मात्रा के अंदर जाएंगे। तो केंचुए नीचे रहेंगे ताकि हम उनको आगे यूज कर सकें। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ये खाद बनाने की पूरी प्रोसेस थी, हमारी खाद बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, जो हमारा शेड है जहाँ पे हमने केंचुआ खाद बनाने की प्रोसेस तैयार की थी, उसको भारी बारिश और तेज धूप से भी बचाना होता है। ऐसा क्यों करना होगा, ताकि उसके अंदर टेम्परेचर का मेंटेन रहे और खाद हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट तैयार हो, अच्छी खाद की क्वालिटी तैयार हो, ऐसा इसलिए करना। फिर है केंचुआ व केंचुआ खाद के उपयोग। केंचुआ व केंचुआ खाद के उपयोग में क्या करेंगे हम, सबसे फर्स्ट स्टेप देखेंगे, जो केंचुआ खाद है उसका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, कोई भी केंचुआ खाद है उसका अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उसका क्या फायदा है। जो केंचुआ है मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ा देता है, मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ा देता है, ठीक है। दूसरी बात, मिट्टी को वायवीय बना देता है। वायवीय मतलब मिट्टी के अंदर हवा पास होती रहेगी, और हवा पास होगी तो मिट्टी उर्वरता क्षमता बढ़ जाएगी अपने मिट्टी की। मिट्टी के अंदर दीमक को नष्ट करता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, दीमक को नष्ट तो करेगा ही करेगा, मिट्टी के अंदर जो भी रोगाणु कीड़े पाए जाते हैं उनको भी नष्ट कर देता है। मिट्टी की वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन मात्रा में कमी लाता है। कौन, केंचुआ या केंचुआ खाद, दोनों ही, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन मात्रा में कमी लाता है। अब अगर मिट्टी के अंदर हम बहुत ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई में कमी आ जाती है, मिट्टी को तो रोगाणु मुक्त करता ही करता है, पौधे को भी रोगाणु मुक्त करता है। इस मिट्टी में जो तत्व हैं
सल्फर, नाइट्रोजन, पोटाश उत्तम मात्रा के अंदर पाए जाते हैं, उत्तम मात्रा में पाए जाते हैं, जो मिट्टी के लिए भरपूर आवश्यक है। और यही क्या करता है, उर्वरता क्षमता को बढ़ा देता है। ठीक है, मिट्टी में खरपतवार की कमी करता है, खरपतवार की कमी करता है, मिट्टी के अंदर खरपतवार को कम करता है, मिट्टी को रोगाणुहीन करता है, मिट्टी के अंदर जो रोगाणु फैलाने वाले तत्व होते हैं या कीड़े मकोड़े होते हैं उनको नष्ट कर देता है, मिट्टी को रोगाणु, थोड़ा सा तेज करूंगा मैं, हीन बनाता है। मिट्टी की दो दो स्टेप लिख रहा हूं मैं एक ही लाइन में, मिट्टी की वाष्पोत्सर्जन मात्रा कम करता है। अब किसान कहते हैं कि हमें सिंचाई की जरूरत भी कम पड़ती है, सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। अगर कोई ऐसी जो ह्यूमस खाद है इसका या केंचुआ खाद है इसका उपयोग कर रहा है, वो किसान ये बात जरूर कहेगा कि मुझे इसके अंदर पानी की जरूरत कम पड़ती है, सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि ह्यूमस खाद क्या करती है या केंचुआ खाद क्या करती है, पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है, पानी को जकड़े रखती है मिट्टी के अंदर, पानी को बनाए रखती है, इसका ये काम है ह्यूमस खाद का। इसके अलावा अगर हम देखें जो केंचुआ है, केंचुआ मिट्टी में मल द्वारा झिल्ली निकालता है, जो क्या काम करती है, मिट्टी के कणों को बांधे रखती है, मिट्टी के कणों को बांध के रखती है तो मतलब वहां पे वाष्पोत्सर्जन में कमी आ जाती है। फोर्थ स्टेप तो कई हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, बट फोर्थ ही लिख देता हूँ। फोर्थ लाइन में, एक लाइन में मैं दो दो लाइनें लिख रहा हूँ, फोर्थ में अगर हम देखें तो यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की संख्या को बढ़ाता है, इसके अलावा मिट्टी में वायवीयता बढ़ती है, मिट्टी के अंदर वायु का आदान प्रदान बढ़ता है, जिससे पौधे की जड़ें हैं वो खूब फैलती हैं, मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से फैलती है, चारों तरफ फैलेंगी, और उससे पौधा क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा पौधे की जड़ें फैलेंगी उसमें क्या होगा, पौधे का फायदा होता है, वो उतना ही पानी अवशोषित करता है और उससे पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है मिट्टी के अंदर, और पौधा हष्ट पुष्ट रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है। अब ये भी देखा गया है कि जो मिट्टी ऐसी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, वर्मी कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, उनकी खेती 25 से 300% तक बढ़ती है, मतलब फसल की पैदावार है वो 25 से 300% तक बढ़ जाती है, ऐसा भी देखा गया। और इस मिट्टी का, इस खाद का एक फायदा है कि इसके अंदर नाइट्रोजन, ठीक है, पोटेशियम, सल्फर और फास्फोरस, ये इसके अंदर उत्तम मात्रा में पाए जाते हैं,
जो मिट्टी को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। दूसरा, यह एक जैविक खाद है, यह एक जैविक खाद है। इसमें मक्खी, मच्छर पैदा नहीं होते। मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बनाए रखती है। इस खाद को बनाते टाइम यह भी ध्यान रखना है कि इस खाद को बनाते टाइम यह पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती, यह पर्यावरण का प्रदूषण नहीं करती है और जैव पदार्थों से बन जाती है। जैसे कि जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते, सब्जी के छिलके हैं, पत्ते हैं, अपशिष्ट हैं, पत्ते, कूड़ा, कचरा, इन पदार्थों से यह बन जाता है। मिट्टी में दीमक को नष्ट करता है। इसके अलावा मिट्टी को रोगाणुहीन तो बनाता ही बनाता है, और इसकी जो पावर है, अगर एक बार हमने केंचुआ खाद डाल दी मिट्टी के अंदर, तो उसकी जो कैपेसिटी है, उसकी उर्वरता 2 से 3 फसलों तक बनी रहती है। उसकी उर्वरता 2 से 3 फसलों तक बनी रहती है, 2 से 3 फसलों तक वो काम करेगी। पॉइंट नंबर 10, यह मिट्टी को उपजाऊ एवं भुरभुरी बना देता है। मिट्टी को उपजाऊ एवं भुरभुरी बना देता है। जिससे मिट्टी उपजाऊ और भुरभुरी बनी रहती है, तो केंचुआ खाद की ये विशेषताएं, जो 10-12 विशेषताएं मैंने बताई है, ये आपको ध्यान से कर लेनी है, काफ़ी रहेंगी। एक पेपर में आप लिखना चाहते हो तो काफ़ी रहती हैं। इसके अलावा और बहुत सारी हैं, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं क्या क्या फायदे हैं। तो आगे हम करते हैं, केंचुआ खाद की विशेषता तो ये है, अगर हम केंचुआ खाद का उपयोग करते हैं तो उस दौरान हमें ध्यान क्या रखना होता है। अगर हम केंचुआ खाद का उपयोग कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों की सावधानियां बरतनी है, तो सावधानियां देखते हैं क्या क्या बरतनी है हमें। अगर हम केचुआ खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार का रासायनिक पदार्थ, रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार की, कोई भी रासायनिक है, चाहे वो छिड़काव वाली है, चाहे वो मिट्टी में डालनी है, उसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, हमारे जो केंचुए हैं मिट्टी के अंदर रह रहे हैं, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, नंबर 2 पे अगर हम देखें, केंचुओं को समय अनुसार हमें कच्चा भोजन देते रहना चाहिए, ठीक है। सेंद्रीय भोजन समय अनुसार केंचुओं को, सेंद्रित भोजन भोजन देते रहना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो केंचुए मिट्टी के अंदर मरेंगे नहीं, बने रहेंगे मिट्टी के अंदर। और मिट्टी के अंदर अगर वो केंचुए क्रियाशील रहेंगे, मिट्टी के अंदर केंचुए अगर क्रियाशील रहेंगे तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते रहेंगे, मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है उसको बढ़ाते रहेंगे, उर्वरता क्षमता को बढ़ाते रहेंगे। यही है, अगर केंचुए क्रियाशील रहेंगे तो मिट्टी की उर्वरता क्षमता को बढ़ाते रहेंगे। समय समय पर हमें यह ध्यान रखना है, उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई रासायनिक खाद हमें नहीं डालनी है, बस।
ये था हमारा आज का टॉपिक वर्मी कंपोस्टिंग। टॉपिक आपको अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें।